आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स कि ह्यूमन बींग में जो रेस्पिरेशन होता है वो कैसे होता है, उसका डायग्राम के साथ आज हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा जो आता है वो होता है नॉस्ट्रिल, मतलब हमारे नाक में जो दो छेद होते हैं उन्हें हम नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। नॉस्ट्रिल्स में क्या होता है कि नसल हेयर्स प्रेजेंट होती है, हमारे नाकों में हेयर्स छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं ना, उनका क्या काम होता है कि वो हमारे जो नाक मतलब जो हमारे नाक में जो एयर एंटर करती है उसे मतलब प्रोटेक्ट, उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं क्योंकि एयर में बहुत गंदगी होती है तो क्या करते हैं उसे फिल्टर करते हैं, मतलब जो हेयर्स हमारे नाक में प्रेजेंट होते हैं वो उस डस्ट को रोक लेते हैं और हमें साफ एयर प्रोवाइड करा देते हैं जो कि अंदर चली जाती है। उसके बाद नोस्ट्रिल से होते हुए क्या होता है कि नसल पासेज के पास हमारी जो एयर है वो पहुंचती है। माउथ कैविटी यहाँ पे हमारी प्रेजेंट होती है। माउथ कैविटी क्या करती है कि हमारे जब हम माउथ कैविटी और नसल पैसेज दोनों मिलकर क्या करती है, इसे बैलेंस बनाए रखती है, इनके बीच का जो गैप है उसे बनाए रखती है जिससे कि हम खाना खाते वक्त भी सांस ले सकते हैं। उसके बाद नसल पासेज से होते हुए फायरनेक्स से होते हुए हमारी जो एयर है वो ट्रैकी में एंटर कर जाती है। ट्रैकी से पहले क्या होता है हमारा लारिंक्स होता है जो कि हमारा वॉइस बॉक्स है जिससे कि हम बोलते हैं। ट्रैकी के बाद क्या होता है, ट्रैकी में रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज हमारी एक सॉफ्ट बोन है जो कि जब एयर इसमें ना प्रेजेंट हो मतलब जब एयर इसके अंदर नहीं होती है तो इसे बना अवेलेबल मतलब बैलेंस बनाए रखती है ताकि ये सिकुड़े ना एक में या फिर जुड़े ना एक में, इनके बीच का जो गैप है वो मेंटेन रहे। इसका काम किसका होता है, रिंग ऑफ कार्टिलेज का। उसके बाद हमारी जो एयर है वो ब्रोंकस में आने के बाद हमारे जो ब्रोंकियोल है उनमें आ जाती है, ब्रोंकियोल्स में आ जाती है। ब्रोंकियोल्स में क्या होता है कि छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, ये इन्हें हम एलिवोइल बोलते हैं। एलिवोइल में क्या होता है, सबसे मेन प्लेस है जहाँ पे हमारी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, मतलब गैसेस का एक्सचेंज आता है, ऑक्सीजन आ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। इस पूरे में डायफाग्राम, ये हमारा जो डायफाग्राम है ये क्या करता है, इसे बैलेंस करके रखता है। मतलब ये डायफाग्राम से क्या होता है कि हमारी जो ब्रीथिंग इन और आउट करने की प्रोसेस है वो होती रहती है जिससे कि अपवर्ड और डाउनवर्ड होने में आसानी होती है। ये हमारी पूरी प्रोसेस थी, रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट हो गया हमारे यहाँ पे। अब हम जानेंगे रेट ऑफ ब्रीथिंग, मतलब ब्रीथिंग कैसे होती है। मोस्टली एक एडल्ट मैन के अंदर, मतलब हम लोगों के अंदर जो यंग एज वाले पर्सन होते हैं उनके अंदर जो होती है एवरेज रेट ऑफ ब्रीथिंग कितनी होती है, 15 to 18 टाइम्स, मतलब 15 से 18 बार हम लोग सांस लेते हैं एक मिनट के अंदर। डिफिशियंसी ऑफ हेमोग्लोबिन, मतलब हमारे जो ब्लड है हमारे ब्लड में रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि है, जिस जो रेड पिगमेंट होता है उसे हम हेमोग्लोबिन बोलते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड होता है वो रेड दिखता है। अगर हेमोग्लोबिन की जो कमी हो जाती है तो क्या होता है, हेमोग्लोबिन की कमी की वजह से क्या होता है कि हमारी जो ऑक्सीजन कैरी करने की जो कैपेसिटी है, मतलब ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरी करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, जिससे क्या होता है कि हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होती है, मतलब सांस लेने में तकलीफ होती है और हमारी जो एनर्जी है उसकी भी कमी आती है। थर्ड है CO, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का नाम तो सबने सुना होगा जो कि एक पॉइजनस गैस है, जैसे कि पॉइजनस गैस है तो जैसे कभी कभार हमने सुना है कि कोई इंसान है जैसे कि उसने अपने कमरे में क्या किया कि अंगीठी सब लोग जानते होंगे मेरे ख्याल से, जैसे हम एक बर्तन ले लेते हैं उसमें कोयला लगा जला के रख देते हैं, ठंडियों के टाइम में क्या होता है ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं। जैसे एक बंद रूम है उसमें कहीं से भी एयर आने या जाने की जगह नहीं है, किसी कोई कोई होता है ना अंगीठी जला के लेट जाता है कि रूम गर्म हो जाएगा, तो उसके बाद क्या होता है कि जब वो गेट वेट बंद कर लेते हैं तो सुबह सुनाई पड़ता है कि भाई उस इंसान की तो मौत हो गई। वो तो कैसे हो जाती है, उसमें क्या होता है कि अंगीठी में क्या होता है कि CO प्रोड्यूस होता है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एक जहरीली गैस है हमारी। तो क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, हमारी जो हेमोग्लोबिन है उसे बाइंड कर देता है, मतलब हेमोग्लोबिन के अंदर मिक्स हो जाता है धीरे धीरे, क्या करता है हेमोग्लोबिन के अंदर मिक्स होना शुरू हो जाता है। और जब CO मिक्स हो जाता है तो क्या होता है कि हेमोग्लोबिन हमारी जो है उसकी कैपेसिटी जो होती है ऑक्सीजन कैरी करने की वो उसे रोक देता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिससे कि उसकी क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड को कैरी करने की। और जब ऑक्सीजन हमारे ब्रेन के पास पहुंचेगा नहीं, हमारी अदर पार्ट से पहुंचेगा नहीं, तो हमें सांस लेने में तो तकलीफ होगी। और जब CO की वजह से क्या होता है कि जब सांस लेने में तकलीफ होने लगती है तो इंसान मर जाता है, इसी वजह से मर जाता है क्योंकि उसकी बॉडी में कहीं भी ऑक्सीजन नहीं जा पाती। तो हमारे
सीओ जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा पॉइजनस गैस है, तो हमें कम से कम पॉल्यूशन करना चाहिए। और बहुत समय हो सकता है अगर इंसान ने कम सीओ एब्जॉर्ब किया, कम ऑब्जॉर्ब हुआ उसकी बॉडी में, तो हो सकता है वो बेहोश हो जाए। लेकिन किसी किसी की बॉडी में जब ज्यादा ये पूरी बॉडी में फैल जाता है तो इंसान मर भी जाता है। हमारा रेट ऑफ ब्रीथिंग कंप्लीट।